हेलो 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 ऑफिसर्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू रे एकेडमी. सो ऑफिसर्स, आज आम एक्सटेंशन एजुकेशन रही गोटे टॉपिक करवा. ओके, सो आर यू रेडी? चलो लेट्स स्टार्ट. एक्सटेंशन एज अ प्रोग्राम एंड प्रोसेस. सो टुडे वी विल कवर द टॉपिक ऑफ अ स्मॉल टॉपिक ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन. That is extension as a program and process. So before that, you please tell me what is extension. Can you please comment and let me know, officers? आपण comment करके मते जानी पारी बे कि according to your understanding, what is extension? Extension and then we will understand extension education. So please comment and let me know what is extension. Till then, Moody explain कर दिया. So, what is extension education? First of all, education छाड़ दियो, extension कौन? Extension, हमें extension cord use करूँ, right? जो मैंने hair extensions use करूँ थी, nail extensions use करूँ थी, isn't it? So, कौन है extension कौन? Extension मैंने जो जिनसो available अच्छी, ताठु टिके अधिका, जो जिनसो available नहीं. जो जिनसो अवेलेबल नहीं, राइट, जो जिनसो अवेलेबल अछि ता अलगा, जो जिनसो अवेलेबल नहीं से जिनसो हमें अवेल करू छु. एक्सटेंशन कॉर्ड हमें सही जगह रे लगाउ जोटि हमर केबल कनेक्शन न थाए, जोटि हमर वायर कनेक्शन न थाए, प्लगिंग कनेक्शन न थाए, सेई पई हमें एक्सटेंशन कॉर्ड यूज करू. एक्सटेंशन हेयर, जणको हेयर एतिकी अछि तांकू लंबा हेयर दरकार, एक्सटेंशन हेयर दे विल यूज, राइट. नेल, छोटो नेल अछि ताकू अधिक बढ़ेबार अछि तमे एक्सटेंशन, नेल एक्सटेंशन यूज करिबा. लाइकवाइज ऑफिसर्स, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मीन्स स्ट्रेचिंग आउट. ओके, स्ट्रेचिंग आउट. सो एक्सटेंशन हैज बीन डिराइव फ्रॉम टू टर्म्स, दैट इज फर्स्ट वन इज एक्स एंड सेकेंड वन इज टेंसियो. एक्सटेंशन दुटा वर्ड कॉम्बिनेशन रु हेची, फर्स्ट इज एक्स, सेकेंड इज टेंसियो. एक्स मीन्स out, we all know x, right? So x means out. X student, jeki nahanti student, right? So x out. And tensio, tensio, tension, surface tension, we all know, stretched. Okay, so outstretched, outstretched is called extension. Anything that is outstretched, joda ta area ru bahar ku stretch heichi, thik achi. Extension education, likewise extension education, stretching education to the people. जो माने mainstream ही पारु ना हांती, जो मानों को पाखों को formal institutional education पहुंची पारु ना ही, से मानों को educate करीबा. आमे education को stretch करी की नहीं की जाऊँ जो से लोग को पहुंचन तो, जहाँ पाखरे formal institutional education पहुंची पारु ना ही. सो एबे क्वेश्चन आसीबो, फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन कौन? फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन माने हला आम स्कूल, कॉलेज, ए सब ऑर्गेनाइजेशंस रे जहाँ एजुकेशन आपको प्रोवाइड करा जाए. सो एमिती जगह जोटी की स्कूल कॉलेज रो प्रोविजन नहीं, जोटी का लोक मान पाखरे पाठ पढ़ा पाई सुविधा नहीं, से लोक को आम एजुकेशन प्रोवाइड करवा ऑन वेरियस फील्ड्स. ओके, एजुकेशन को आम स्ट्रेच करके नहीं जाऊँ से लोक पर्यंत. That is why it is called extension education. I hope extension education concept आपन को clear अच्छी, right? Great. So father of extension education is J.P. Ligon. J.P. Ligon is called as father of extension education. अब उसे extension education को कैसे define करूँ चाहती? Let's understand that. Extension education is an applied behavioral scheme. So कौनसी भी पार्ट, कौनसी भी एजुकेशन टू टाइप्स थाए, गोटे हला अप्लाइड, गोटे हला थेमाटिक, थीमाटिक. ओके, थियोरेटिकल. सो आम पढ़ी पारिबा ताकु अंडरस्टैंड करी पारिबा, किंतु अप्लाइड माने आम सोसाइटी ताकु अप्लाई करी पारिबा. सो डेफिनेटली एक्सटेंशन एजुकेशन अप्लाई करीबा इज मस्ट इम्पोर्टेंट, राइट? सो इट इज करेक्ट. सो इट इज एन अप्लाइड बिहेवियरल स्कीम विच डील्स विद द डिजायरेबल चेंजेस. Excuse me, which deals with the desirable changes in the behavioral complex of human beings.
ह्यूमन बीइंग्स ह्यूमन मानक भितरे चेंज आनिबा पई बिहेवियरल चेंज आनिबा पई थ्रू वेरियस स्ट्रेटजीज एंड प्रोग्राम्स बाय अप्लाइंग द लेटेस्ट साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस तमने साइंटिफिक टेक्नोलॉजी एवं इनोवेशन को यूज करिकी लोक मानक मध्यरे बिहेवियरल चेंज आनिबा बिहेवियरल माने तांको सोशल इकोनॉमिक पर्सनल लाइफ रे से केमिति बिहेव करचोंती ताकु चेंज करिया पई आमे जो माध्यम व्यवहार करूचु साइंटिफिक एवं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को यूज करके ताकु आमे कहिबा एक्सटेंशन एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जेपी लीगल्स ऑफिसर्स यू कैन नोट इट डाउन ओके सो दिस इज अबाउट एक्सटेंशन एजुकेशन आई होप एक्सटेंशन एजुकेशन रो बेसिक मीनिंग आमे बुझी सकछु राइट ठीक अछि सो नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट which we are going to discuss, that is, what is that? Extension as a process. Extension as a process. So, extension as a process, ame jani jo jekono se bhi process thai, tahle taro various stages thibo, right? So, extension as a process goes through five processes, five stages. Extension as a process goes through five stages. It is a participatory process first of all. So participatory process माने कौन हो? समस्ते मिस्सी की participate करों दी. जो मानों को ऊपरे apply करा जाऊँची, जो मानों को पाँ use करा जाऊँची, सेमाने मध्य इतने participate करो चाहती. Okay? So participatory process involving five essential interrelated steps. So Higgins, according to Higgins, सो ये जो पांचटा स्टेप्स एबे आमे डिस्कशन करिया को जाउछु दीज आर गिफ्ट्स ऑफ हिगन्स हिगन्स इन 1967 ही गेव दिस फाइव एसेंशियल स्टेजेस ओके जोटा कि इंटर रिलेटेड अछि गोटे नथिले आरोटा भी काम करिवो नाही आ ए पांचटा स्टेजेस मिसी कि बनौ चंदी एक्सटेंशन एज अ प्रोसेस ओके सो व्हाट आर दिस स्टेजेस लेट्स सी फर्स्ट इज सिचुएशन So, what is the situation, kona situation achi, kona demand achi and so on. Second one is objective. Situation basis re, ame gote objective decide kariba. Third one is teaching. So, objective jitale ame define hei gola, tapre ame teaching start kariba, se objective ko achieve kariba pai. Then final, then evaluation. So, jitale ame teach kariba, tapre ame evaluate bhi kariba. Right? कि आम पढ़ाटा आम जहाँ पढ़ेचु आम जहाँ यूज कर टेक्नोलॉजी नॉलेज से फ्रुटफुल ना ना देन रिकनसीडरेशन सो इवैल्युएशन आम जहाँ रिजल्ट आसीबो ता अनुसार आम पुणी रिकनसीडर करवा आउ किछि प्रोसीजर ओके दिस इज द बेसिक दिस इज फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफिसर्स आम एबे आगो को डिस्कशन करवा ए पांचटा जक प्रोसेस को डिटेल रे ओके सो चलो Come with me, let's discuss. Step 1. Extension as a process. Taro pancha stage ame dekhilu. First stage is situation. Second is objective. Third is teaching. Fourth is evaluation. Fifth one is reconsideration. Right? So first stage ame dekhiba understanding the current situation. Understanding the current situation. So What do you mean by current situation officers? Can you tell me? Current situation माने कौन बुझी पारी बो? Current situation means इब्बेकारो situation. Right? That means जो जागरे से teaching का use करा हवो, से जागरो situation के मिति अच्छी. Collection of facts about people, their environment, workplace as well as residential. सो सिचुएशन को बुझिया पाई आमको दरकार इनफॉरमेशन कलेक्शन इनफॉरमेशन आमे केमिति कलेक्ट करिबा कौन इनफॉरमेशन कलेक्ट करिबा इनफॉरमेशन लोकों को विषय रे कलेक्ट करिबा सपोज गोटे जगह रे आमको टीचिंग इंस्टिट्यूट खोलिबार अछि किबा पढ़ा पाठ दबार अछि त आमको इनफॉरमेशन कलेक्ट करिया को पड़िबो ना केते जण छुआ अछंती केते वयस अछि तांकर केते बड़ लोक अछंती जो माने पढ़िबा को चाहू छंती राइट सेमानों को चिंताधारा केमिति अछि सेमाने को विषय रे नॉलेज गेन करिया को चाहू छंती से सब चीज इनफॉरमेशन हमको दरकार राइट तो लोकों को विषय रे तांको एनवायरनमेंट विषय रे
ଫ୍ୟାମିଲି ହଉ କିମ୍ବା ୱାର୍କିଂ ହଉ ଆଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସୋସିଓ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୋସିଓ କଲଚରାଲ ଇକୋନୋମିକାଲ ଫିଜିକାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ସବୁ ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସିନାରିଓ ଆମେ ଜାଣିଲେ ହିଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଡିସାଇଡ଼ କରିପାରିବା ସୋ ଡେଟା କଲେକ୍ଟ କରିବା ତାପରେ ଆଉ ଡେଟା କଲେକ୍ଟ କରିବା ମେଥଡ୍ସ ହେଲା ସର୍ଭେ କରିବା ସର୍ଭେ ବି ଅଲ୍ ନୋ ଦେନ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରାପୋ ଅବ୍ଜର୍ଭେସନ୍ ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ରାପୋ ଅଫିସର୍ସ ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଟେଲ୍ ମି ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ରାପୋ ରାପୋ କ'ଣ ରାପୋ ମିନ୍ସ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶିଂ ଗୁଡ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଭଲ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ବିଲ୍ଡଅପ୍ କରିବା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ରାପୋ ଓକେ ଆଗ ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବ ତୁମ ଦରକାର କ'ଣ ତୁମ ନିଡ଼୍ କ'ଣ ତୁମେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାପରେ ସେ ଓପନ୍ ଅପ୍ ହେବେ ନହେଲେ ୟୁଜୁଆଲି ନର୍ମାଲି କେଜୁଆଲି ଯାଇକି ଜଣଙ୍କୁ ଯଦି ପଚାରିବ ସେ କାହିଁକି କହିବ ରାଇଟ୍ ସୋ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରାପୋ ଇଜ୍ ମଷ୍ଟ ଦେନ୍ ଆମେ ସର୍ଭେ କରିପାରିବା ଲୋକଙ୍କଠୁ ପଚାରିପାରିବା ତାପରେ ଅବଜର୍ଭ ବି କରିପାରିବା ଆମେ ନିଜେ ଦେଖି ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବା କି ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଜିନିଷ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଓକେ ଆଫ୍ଟର୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଡେଟା ଆନାଲିସିସ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସୋ ଡାଟା କଲେକ୍ଟ କରିଲା ପରେ ସେ ଇନଫର୍ମେସନ୍କୁ ଆନାଲାଇଜ୍ କରାଯିବ କି ଆଚ୍ଛା ଏତେ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଏତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଏତେ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଏତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ଏତେ ମେଲ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ ରାଇଟ୍ ସୋ ଡେଟାକୁ ଆମେ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବନାଇବା ପାଇଁ ତାପରେ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଏଇସବୁ ଆମେ ଡିଫାଇନ୍ କରିଦେଲୁ ତାପରେ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଆଚ୍ଛା ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତାମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏତିକି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଏତିକି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ସୋ ଅନ୍ ଯେମିତି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଫାର୍ମର୍ର ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ଚାଷୀର ଫ୍ୟାମିଲିର ଇନକମ୍ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ଆମେ ଡେଟା କଲେକ୍ସନ୍ରୁ ପାଇଲୁ କି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିର ଇନକମ୍ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ଆଉ ତାକୁ ସେ ବଢ଼େଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା କେମିତି ବଢ଼େଇବେ ରାଇଟ୍ ତ ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି ବଢ଼େଇବେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଓକେ ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ଆନାଲାଇଜିଂ ଦ ସିଚୁଏସନ୍ ଓକେ ଦ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଇଜ୍ ଡିସାଇଡିଂ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ସୋ ଆମେ ସିଚୁଏସନ୍ ଜାଣିଲୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଜାଣିଲୁ ତ ତାପରେ ଆମକୁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଡିସାଇଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଫିସର୍ସ ଅଲୱେଜ୍ ରିମେମ୍ବର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଏମିତି ଥିବା କଥା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବା ରିଆଲିଟି ବେସିସ୍ ଓକେ ଫାର୍ମର୍ସ ଇନକମ୍ ଆମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତ ଏମିତି ନୁହଁ କି ମୁଁ ଫାର୍ମର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଙ୍ଗଲୋ ବନାଇଦେବି ଫାର୍ମର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ ଆଣିଦେବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ବନାଇଦେବି ରାଇଟ୍ ଏମିତି ହେଇଗଲେ ସେ ଫାର୍ମର୍ ୱିଲ୍ ବି ଦ୍ୟାଟ୍ ଫାର୍ମର୍ ୱିଲ୍ ନୋ ମୋର୍ ୱିଲ୍ ବି ଅ ଫାର୍ମର୍ ରାଇଟ୍ ସୋ ଆମେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବା ଯେଉଁଟାକି ରିଏଲ୍ ବେସିସ୍ରେ ୟୁଜ୍ ହେଇପାରିବ ରିଏଲ୍ ବେସିସ୍ରେ ଆଚିଭ୍ କରିହେବ ଓକେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆମେ ଆଚିଭ୍ ଆମେ ସେଟ୍ କରିବା ଆଣ୍ଡ ଆଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଯେଉଁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଆମେ ଡିଫାଇନ୍ କରିବା ସେଇଟା ଏମିତି ଥିବା କଥା ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର୍ ଅଛନ୍ତି କମ୍ୟୁନିଟି ଅଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କେପେବିଲିଟି ଅନୁସାରେ ଏବଂ ଆଭେଲେବଲ୍ ରିସୋର୍ସ ଅନୁସାରେ ମାନେ ଆମେ ଆମ ପାଖରେ କେତେ ରିସୋର୍ସ ଅଛି ତାଙ୍କ ଇନକମ୍ ଗ୍ରୋ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ କେତେ କେପେବିଲିଟି ଅଛି ସେ କେତେ ଯାଏଁ କାମ କରିପାରିବେ ଏମିତି ନାହିଁ କି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିବା 24 ଘଣ୍ଟା ଖଟ ଆଉ ତୁମେ ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ କରିଲେ ଅଧିକା ତୁମକୁ ଇନକମ୍ ହେବ ନୋ ୱାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ୱାର୍କ 24 ଆୱାର୍ସ ରାଇଟ୍ ସୋ ମାନେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଯେଉଁଟାକି ଲିଜିବଲ୍ ହେଇପାରିବ ଲଜିକାଲ୍ ହେଇପାରିବ ଯେଉଁଟା ଫଲୋ କରି ହେଇପାରିବ ଏମିତି ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଆମେ ଡିଫାଇନ୍ କରିବା ରାଇଟ୍ ସୋ ସପୋଜ୍ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଇନକମ୍ କମ୍ ଅଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଡିଫାଇନ୍ କରିଦେଲୁ କି ଅପକମିଂ 6 ମନ୍ଥସ୍ରେ କିମ୍ବା ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଧାନ ସିଜନ୍ ହେବ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଧାନ କଟା ସିଜନ୍ ହେବ ସେଇ ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଇନକମ୍କୁ 20 ଟାଇମ୍ସ ଆଟଲିଷ୍ଟ ବଢ଼େଇଦେବୁ 20 ଟାଇମ୍ସ ନୁହଁ ସରି ଆମ ରିଏଲି ସରି 20% ମାନେ 100 ଯଦି ଅଛି 120 କରିଦେବା ରାଇଟ୍ ସୋ ଆଟଲିଷ୍ଟ 1000 ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ କେତେ ବଢ଼ିବ 1000 ଯଦି ଅଛି କେତେ ବଢ଼ିବ 1000 ଯଦି ଅଛି 1200 ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ସୋ
20% आम बढ़ेदे नेक्स्ट क्रॉपिंग सीजन पर्यंत आम ऑब्जेक्ट है ऑब्वियसली आम जो कह कि आम 200% बढ़ेदे दैट इज नॉट पॉसिबल राइट सो जो जिनस पॉसिबल अच्छे से जिनस करवा सो दिस इज द सेकेंड स्टेप फर्स्ट स्टेप है आमर अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन एंड एनालाइजिंग द सिचुएशन सेकेंड है डिसाइडिंग द ऑब्जेक्टिव डिसाइडिंग अ क्लियर स्पेसिफिक एंड लिमिटेड ऑब्जेक्टिव ओके नेक्स्ट इज नेक्स्ट स्टेप अच्छे टीचिंग सो आमको प्रॉब्लम जना पड़गला आम गोल डिसाइड कर देलु एबे आम काम हैला टीचिंग सो टीचिंग हाउ टीचिंग कौन पढ़ेबा में फर्स्ट हैला एडी दीडा क्वेश्चन आछि व्हाट शुड बी टच एंड हाउ शुड बी टच राइट दैट मींस कंटेंट एंड मेथड देखो आमे चासी भाई मानंकु गाइड करी पारिबा सपोर्ट करी पारिबा ओके आमे जाय कि तांकु पैसा डायरेक्टली वितरण करी पारिबा नाही कारण आम पाखरे भी रिसोर्सेस लिमिटेड आउ एटा गोटे चासी रो कथा नो एटा बहुत सारा चासी को कथा सो आम टीचिंग टीचिंग करिबा पाई करला बेळुकु आमे कोन करिबा आमे तांकु डेमोंस्ट्रेशन भी देखेबा गोटे तो कंटेंट क्रिएट करिबा कि कोन कोन से माने सिखिबे तापरे आमे मेथड्स डिसाइड करिबा को वे रे आमे तांकु सिखेई पारिबा राइट जमती कि कौन सीखे केमी सीखे जमी देख मेथड जमी ट्रेनिंग दे पार चाषी भाई मानक वेरियस इनफर्मेसन कलेक्ट करकेपर रईट जो रेडियो प्रोग्राम्स आसे टी दूरदर्शन प्रोग्राम्स आसे से विषय बतई पार गवर्नमेंट स्कीम विषय एजुकेट करईट ये सब मेथड्स आम यूज करिपारिबा ऑडियो विजुअल एड्स थ्रू तांकु बुझेई पारिबा कि एई जागा रो चासी माने एमिति काम करचंती तो एते इनकम होची तो माने भी एई प्रोसीजर यूज करो राइट दिस आर द मेथड्स कंटेंट्स कोन कोन देई पारिबा आमे आमे तांकु बतेई पारिबा कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स रो यूज एचआईवी सीड्स रो यूज टेक्नोलॉजी रो यूज फर्टिलाइजर्स केमिति यूज करिपारिबे से माने प्लांट को केमिति प्रोटेक्ट करिपारिबे राइट सो ए सब जिनस बुझे पारिबा एटा है आम टीचिंग पार्ट ओके माने जो प्रॉब्लम बाहरी तार सल्यूशन आम बताऊ ये इम्पोर्टेन्ट अच्छे मेथड्स कंटेंट्स एंड डेमोंस्ट्रेशन आम टीचिंग बेलू डेमोंस्ट्रेट करके भी देखा गोटे छोटिया जगार 8-10 मिनट जो ट्रेनिंग अच्छी गोटे छोटिया पॉट्रे आम करके क्रॉपिंग करके देखा कि देख एत कम टाइम एत भल क्रॉपिंग पार्टी तो यू कैन डू इट बेटर राइट सो डेमोंस्ट्रेशन कंटेंट मेथड एंड डेमोंस्ट्रेशन तीन टा भी आम यूज करवा टीचिंग आई होप वी आर क्लियर राइट राइट ऑफिसर्स ठीक अच्छे सो फर्स्ट आम सिचुएशन एंड प्रॉब्लम्स को बुझिलु सेकेंड आम ऑब्जेक्टिव डिफाइन करिलु थर्ड है आम टीचिंग करिलु सो टीचिंग कंटेंट मेथड डेमोंस्ट्रेशन ये सब वेज यूज करके पढ़े पाठ पढ़ला परे आमर कौन हुए ऑफिसर्स आफ्टर वी स्टडी आम इवैल्युएट करू आम मॉक टेस्ट दौ ना नाई मॉक टेस्ट दौ राइट सो इवैल्युएशन हम प्रॉब्लम सिचुएशन रो इवैल्युएशन हम आठ मॉक टेस्ट हम ये डायरेक्ट रिजल्ट सो फोर्थ स्टेप इज इवैल्युएशन जो आम ऑब्जेक्टिव प्रोसेस आम सीखे देलु चासी भाई माने तांकर इम्प्लीमेंट करिया स्टार्ट कर देले तापरे हमें देखिबा कि किछि समय पर हमें इवैल्युएट करिबा कि जो हमें ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर देलु से ऑब्जेक्टिव हमर अचीव हेछि ना नाही जदि हेछि ताहेले केते हेछि जदि हेनी ताहेले काहे कि हेनी सपोज आउ एटा भी हमें सर्वे थ्रू ए करि पारिबा लोकंक सहित जाई कि डिस्कशन करि पारिबा ऑब्जर्व करि पारिबा राइट सो तापरे आमे देखिबा कि जदि अचीव कर देछंती टारगेट देन दैट्स रियली वेरी गुड राइट जदि ताले जदि अचीव करछंती ताले को फैक्टर अछि जोडा कि तांको हेल्प करछि अचीव करिया पई सो देन आमे सेफ फैक्टर्स गुडा को अलगा लोकन को सामना रे भी प्रमोट करि परिबा जदि
100% टारगेट अचीव होनी कि 10-20% टारगेट अचीव हो जाए तो आम देखा कौ जिन अच्छी जहाँपाई कि आम जहाँ ऑब्जेक्टिव रखी से ऑब्जेक्टिव आम अचीव कर पारू ना कौन प्रॉब्लम रहा राइट सो एठू जो प्रॉब्लम बाहर एठू जो प्रॉब्लम बाहर सीटा को आम पुणी रिकनसीडर करवा ओके सो दिस इज द सेकेंड दिस इज द फोर्थ स्टेप एंड द फाइनल स्टेप इज रिकनसीडरेसन सो आम जितने इवालुएसन करूँ आम देख लु कि अच्छा एमती प्रॉब्लम बाहर यही सब पढ़ेला भी से सब यूज कराला जिनस डेवलपमेंट हो ना तो मैंने किसी गोटे यहीटा प्रॉब्लम अच्छे आम पुणी आउ गए प्रॉब्लम खोजू राइट तो पुणी आम कनसीडर करलु जिते बड़े जिनस को सिचुएशन को आउ गोटे प्रॉब्लम बाहर तापर से प्रॉब्लम रो पुणी ऑब्जेक्टिव डिफाइन हम सल्यूशन टीचिंग कराब पुणी इवैल्युएशन हम पुणी सेम प्रोसीजर विल बी गोइंग ऑन ओके सो रिकनसीडरेसन इवैल्युएशन टाइम रु आमको जना पड़ कि आम नेक्स्ट प्रोसेसटा कौन हम राइट इसने जदि आम सक्सेसफुल टारगेट ऑब्जेक्टिव तो आम नेक्स्ट स्टेप यहाँ रही है कि से जो टारगेट ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्टिव जो टारगेट अचीव होता केमी से बुझापी सिचुएशन को एनालाइज करिया पुणी राइट पुणी फार्मर्स मानक बुझेबा कि अच्छा ये जिनस कर ग्रो हो तो ये जिनस कंटिन्यू कर ये जिनस कम कले चल ये जिनस अधिका कर दि इट सो दिस इज कॉल्ड रिकनसीडरेसन आई होप वी ऑल आर क्लियर अबाउट दिस So, extension education as a process. These following are the five steps, panchota step. Or, just like कोनो से भी process, various steps को नेकी आगो को जाए, right? So, extension education भी जो गड़े process हो ची, ये panchota step को नेकी से आगो को जाए. That is understanding and analyzing the situation. Second one is deciding the objective. A clear objective. Third one is teaching to solve the problem. Fourth one is evaluation, and fifth one is reconsideration of the scenario and the result. Okay, so these are the five steps of extension as a process given by Higgins. Right. So that is all for today's class, officers. Jadi क्लियर ताहले यू कैन लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स इज वेल राइट ओके सो एंड ऑफ कोर्स आम होम साइंस ऑप्शनल स्टार्ट हाँ जाऊँ रे एकेडमी तरफ रू सो इफ यू आर इंटरेस्टेड सो दैट यू कैन कम एंड यू कैन एनरोल योर सेल्फ सो दैट आम सब टॉपिक को क्लीयरली एंड सिंपल लैंग्वेज बुझा ओके सो सिंपल ऑप्शनल को आउरी टिके अधिका क्लियरली बुझिबा पाई एनरोल करंतु होम साइंस ऑप्शनल पाई रे एकेडमी ठीक अच्छे ऑफिसर्स चलो एठी क्लास सेस करिबा पुनी नेक्स्ट सिखाबा नेक्स्ट क्लास रे ओके थैंक यू सो मच ऑफिसर्स चलो बाय बाय हैव अ गुड टाइम